हाय, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। आजकल विवेक ओबरॉय अपनी आने वाली फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से चर्चा का टॉपिक बने हुए हैं। फिलहाल इस फिल्म पर चुनाव आयोग ने स्टे लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनावों के बाद इसे रिलीज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट हालांकि रिव्यू कर चुका है इस बात को और इलेक्शन कमीशन ने वापस से ये फिल्म देखी भी है। अब देखते हैं कि इसकी रिलीज को लेकर क्या बात सामने आती है। लेकिन इसकी प्रमोशंस में विवेक ओबरॉय जुटे हुए हैं, अपने इंटरव्यूज दे रहे हैं, लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं और इन्हीं इंटरव्यूज के एक इंटरव्यू में उन्होंने सलमान खान से माफ़ी की गुजारिश कर दी है। क्या है ये पूरा मामला, क्यों मांग रहे हैं विवेक ओबरॉय सलमान खान से माफ़ी, ये सारी बात हम आपको आज आप बताने वाले हैं। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हैं विवेक। दरअसल ये उस टाइम की बात है जब सलमान खान और ऐश्वर्या राय का ब्रेकअप हुआ था। सलमान खान वापस से ऐश्वर्या राय से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और उधर वो अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान उन्होंने विवेक ओबरॉय के साथ एक फिल्म करी, क्यों हो गया ना, और इसके बाद वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन गए, क्लोज आ गए। फिर आया साल 2003, विवेक ओबरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली अचानक से और उन्होंने सलमान खान के बारे में जो बातें कही वो आप सबको जाननी चाहिए। हो सकता है कि आप ना जानते हो, तो आप थोड़ा कैमरा पास ले आएंगे, पढ़ भी सकेंगे। विवेक ओबरॉय ने इसमें कहा कि सलमान खान ने नशे की हालत में मुझे 41 बार कॉल किया, मेरी महिला मित्रों के बारे में चीप बातें की, इसके अलावा उन्होंने मुझे गंदी गालियां और कई धमकियां दी, ये भी कहा कि मुझे जान से मार देंगे। ये वाला जो स्क्रीनशॉट है ये उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का है जब विवेक ये बातें बता रहे थे। अब थोड़ा सा नीचे आ जाइए तो हम आपको इस मामले में और बातें बताएं। इस घटना के बाद विवेक ओबरॉय का करियर ढलान पर आ गया। उन्होंने ये खुद माना कि सलमान खान पर आरोप लगाने के बाद उनको काम मिलना कम हो गया। सलमान ने विवेक से बिल्कुल इस बारे में कोई बात नहीं की। विवेक ने सलमान से बहुत सारी माफ़ी मांगी मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब इस बात को 16 साल बीत चुके हैं मगर आज भी विवेक के मन में बात ठहरी हुई है। वो कैसे, वो आप आगे पढ़ के जान सकते हैं। ये वो फोटो है जो अभी हाल ही में सलमान और ऐश्वर्या की वायरल हुई क्योंकि इसे थ्रो बैक पिक्चर कहकर इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर डाला गया। अब क्या किया है विवेक ने, ये हम आपको बता देते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जो उनकी फिल्म आ रही है उसकी प्रमोशंस में वो लगे हुए हैं, जैसे कि हमने आपको बताया, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। तो एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि अगर सलमान खान को सच्चाई का सीरम पिला दिया जाए तो आप उनसे क्या एक सवाल पूछना चाहेंगे। तो उन्होंने लिखा, मैं उनसे पूछूंगा कि क्या आप माफ़ करने में यकीन रखते हैं। अब ये बात बाहर आते ही आग की तरह फैल गई और ये सब साफ हो गया कि विवेक आज भी सलमान से माफ़ी की गुजारिश कर रहे हैं। वो उन्हें माफ़ करेंगे या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं है कि सलमान खान ने कभी किसी को माफ़ नहीं किया है। ऐसा कहा जाता है कि सलमान खान शाहरुख खान के बीच में एक लड़ाई सी हो गई थी क्योंकि एक पार्टी में शाहरुख खान ने सलमान खान और कैटरीना को लेकर कोई बात कह दी थी जो कि सलमान खान को अच्छी नहीं लगी, तो उनकी उस वक्त तो झड़प हो गई। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने इस बात को भुला दिया और उनको माफ़ कर दिया। वो दोनों आपस में बिल्कुल कॉर्डियल रिलेशंस मेंटेन करते हैं। तो अब देखते हैं कि विवेक के इस सवाल का जवाब देते हैं सलमान खान या नहीं देते हैं। बाकी जो भी होगा आपको ललन टॉप पर पता चल जाएगा। देखते रहिए दी ललन टॉप। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप हमें लाइक कर सकते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, और अगर एक स्मार्टफोन यूज़र हैं तो हमारी ऐप को एंड्रॉयड यूज़र्स स्पेशली प्ले स्टोर में जाकर कर सकते हैं डाउनलोड। शुक्रिया।